पकड़ 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 भाई जल्दी 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 पकड़। ओए होए होए लोग लेवल सॉफ्ट है भाई हम लोग सच में उनके मेहमान है भाई। हमारा काम है दावत और तबलीग करना, बाकी आपकी मर्जी है। आप उसको अगर एक्सेप्ट करोगे आपके लिए अच्छा है, नहीं करोगे कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम जा रहे हैं एसी लेने के लिए। डैडी को बहुत गर्मी लग रही थी कल, अगर आपने देखा होगा कल वाले व्लॉग में, तो अभी हम जाएंगे एसी लेने के लिए। रेडी हो चुका है तुम्हारा भाई, अभी हरमन का वेट कर रहा हूँ, हरमन कब रेडी होगा तो हम निकलते हैं। चलिए, तो डैडी हमारे अभी खाना खा रहे हैं और डैडी ने अभी मूड चेंज कर लिया। डैडी कहते हैं अभी नहीं लेके आना एसी। क्यों नहीं लेके आना साहब? ये इसलिए नहीं लेके आना भाई, अंदर सब बंद हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे खराब हो जाएंगे, कम्फर्ट में चले जाएंगे। तेरे को तो जरूरत है भाई, हम लोगों को जरूरत नहीं है। सब बंद हो जाएंगे फिर क्या फायदा, सेहत खराब हो जाएगी मेरी। यहाँ पे अच्छा उसकी जगह पे डाइनिंग टेबल लेके आते हैं यहाँ पे रखने के लिए, है ना? तो कद लेके आना है? जब आप किचन कल लेके आएंगे भाई। ये देखो ये क्यों पहनता है भाई तू, ये क्या है ये? मैं नहीं आंदी किन्नी बार क्या है, चेना चुना किया पंदा रहना। अभी हम निकलते हैं घर से एंड एसी तो लेने नहीं जा रहे हैं, बट थोड़ा सा काम है बाहर, तो देखते हैं जाके करते हैं, आपको भी बताते हैं क्या काम है। तो लेट्स गो। चलो भाई भाई पूरे ऑफिसर लग रहे हैं भाई। चलो लिफ्ट आ गई, देखो यूट्यूबर की जिंदगी इजी नहीं होती भैया। ये देखो अभी भी एडिटिंग ही कर रहे हैं चलो तू बहुत है आज तो। चलो जान दो पाजी, डैडी ने क्या क्या काम किया? एक तो थंब लगाना है आधार कार्ड का, और सेकंड काम स्टेटमेंट बैंक की, बैंक। हाँ, और बस घूमेंगे इधर उधर। एसी लेने जाना था बट कैंसिल कर दिया। अभी डाइनिंग टेबल का देखना है, देख लेंगे। निकले तो तुम देखो कि धूप उनके दार से दाहिनी तरफ सिमट जाए, और जब गुरूब हो तो उनसे इसको गुमराह रहने दे, तो तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला ना पाओगे। कुरान क्लास सुन रहे थे हम ट्रांसलेशन में, सूरह 18 अलका, क्योंकि हमने ये पहले भी सुना हुआ है, बट मैं जब मेरे को ये सुनने में इंटरेस्ट तब आया बिकॉज जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी आयतें ना आती हैं, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है सुनने में, तो इसलिए हम सुन रहे हैं। तो आप भी सुना करो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है? जितनी भी सुरा ट्रांसलेशन है ये वाली दीन इस्लाम चैनल से आप सुन सकते हो, आपको काफ़ी मिल जाएगा यहाँ पे। चलो अभी आधार कार्ड का कुछ तो भी फिंगर लगानी थी, वो वहाँ पे शॉप है, तो चलते हैं भाई। क्या ठीक है, इधर गाड़ी लगा दी। 5 minutes later. तो गाइस हम लोग ही ऑफिस से बाहर आ गए, अभी वो बोल रहे हैं कि वो जो सामने एक और ऑफिस है वहाँ से कुछ तो पेपर वगैरह लेने के, अभी हमें मारना है यू टर्न, दूसरी साइड जाना है। हाँ। ये रहा ऑफिस, यहाँ पे भी जाएंगे। चलो चलो भाई अभी सब काम हो गए। सो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये थोड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है खराड़ी, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा जगह हमने ढूंढी हुई है, एक जगह वहाँ पे हम शूट करेंगे, अभी यहाँ पे शूट करने वाले हैं। यार एक तो बहुत सारे लोग होते हैं ना यहाँ पे, तो थोड़ा ये होता है कि यार शूट करें नहीं करें, इतनी क्या ही बोलते हैं लोग। चलो फोटो वगैरह खींचते इधर भाई की, एंड ये देखो ये पूरा ये व्यू है। A few moments later. So guys, शूटिंग हो चुकी है, हमने फोटो वीडियो शूट सब कर लिया है। चलो ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياه.
سر أسارير وجه صبيح تسر أسارير. अभी हमें जल्दी जल्दी घर भी पहुंचना है क्योंकि मुझे शूट करना है भाई. आज की वीडियो कैसे आएगी नहीं तो. आज का जो शूटिंग है करा ही नहीं अभी तक. कहाँ किया हमने है ना. कुछ बैकअप नहीं बना के रखते हम. डायरेक्ट जो बना है वही डायरेक्ट डाल देते हैं. बस एक इसका बैकअप है व्लॉग का. व्लॉग का डेली बस ये नहीं तोड़ना है हमें. ये नहीं तोड़ने का है. बस कुछ खाते हैं. कुछ भूख लग रही है मुझे. तो फिर उसके बाद अपन जाते हैं ना. तुझे लग रही भूख. हाँ लग रही है. क्या खाना है तुझे. देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे. नहीं तो इधर खा सकते थे बट पार्किंग का इश्यू है इधर. क्या खाएगा बंदा. पार्किंग तो है नहीं. ऊपर से भीड़ भी देखो कितनी लगी हुई. भीड़ तो भाई शाम का टाइम है 6 बजे. भीड़ है देखो. अलग लेवल बहुत रश होता है यहाँ पे. इधर कुछ लेते भाई थोड़ा पार्सल. चलो लगा देते हैं इधर गाड़ी. चलो भाई ये मेनू है. वेज खा रहे. हाँ वेज खा रहे. हाँ ठीक है बर्गर. तो गाइस दो बर्गर मंगवाए हैं. दो बर्गर पनीर वाले मंगाए. मैंने ऑफिस भी जाना है अभी. हाँ तो अभी 6:30 हो गया है ना. ट्रैफिक लग गया अगर तो फंस जाएंगे. तो गाइस बर्गर आ चुका है. देखिए दो दो बर्गर. तू टेस्ट कर आज पहले. कितना था कैंट है. सॉफ्ट है पनीर. बहुत सॉफ्ट है यार. बहुत सॉफ्ट है. पूरा जो पनीर का जो पीस है ना बड़ा सही लग रहा है. मेल्ट हो गया अंदर घूम के. हैं सच में सॉफ्ट है ना बहुत. ओए होए होए लोग लेवल सॉफ्ट है भाई. अलग लेवल सच में. चलो अभी खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो गाइस अभी हमने बर्गर खा लिया है. ये शॉप थी शेफ नेशन. बहुत ज़्यादा टेस्टी था. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था है ना बर्गर. एंड भी चलते हैं घर पे. लेट हो गए ना. 6:40 हो गए. घर पे जाके शूट भी करना है एंड भाई की मीटिंग भी है. चलो चलो चले भैया. चलो चले अभी. चलो इंस्टाग्राम का कंटेंट शूट कर लिया. घर पे जाके अभी यूट्यूब का कंटेंट शूट करना है. थंबनेल बनाना है. मंजोर ने कुछ तो भी ऑर्डर किया भाई स्विगी से. हाँ बोल रही थी मुझे. तूने माउंटेन ड्यू ले ली. हाँ, जो अपन ने खरीदी ले ली, ले ली, ले ली. वो अपनी है. 130 में ऐसा बर्गर मुंह में जाते घुल गया. पता भी नहीं चल रहा बर्गर. हाँ, बहुत सॉफ्ट था सच में. इतना सॉफ्ट. जो उसका बन भी था ना बन उतना सॉफ्ट था ना भाई. बहुत हेल्दी बर्गर भाई. बहुत हेल्दी. भाई लोग ये देखो लाइन बहुत दूर तक लगी हुई है. बहुत बहुत लंबी लाइन है भाई. वो देखो. ओए होए होए भाई साहब अलग लेवल सीन हो रहा है भाई. अलग लेवल सीन. देखते हैं अभी क्या होगा. हम तो भाई वेट कर रहे हैं. टाइम देखो कितना हो गया. 6:39 हो चुके हैं. मुझे 7:00 घर पे पहुंचना है किसी भी सूरत में. कैसे जाऊंगा मैं. तुम्हारा भाई जाएगा तो जाएगा कैसे भाई. पी रहे थे देखो गिर गए नीचे. ए पकड़ 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 भाई जल्दी 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 पकड़. ये ट्रैफिक लग जाएगा. ट्रैफिक भी लग जाएगा. पीछे वाले गालियां देंगे. हां कि आगे चल भाई माउंटेन ड्यू नाम बनते हैं रिस्क से. फिर उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया. वो बेशक बड़ा माफ करने वाला है. बड़ा मेहरबान है. और जब तुमने मूसा से कहा कि मूसा जब तक हम अल्लाह को सामने न देख लेंगे तुम पर ईमान नहीं लाएंगे. जुर्गों ने उन नेमतों की कुछ कदर न जानी और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे बल्कि अपना ही नुकसान करते थे. और जब हमने उनसे कहा कि उस गांव. चलो जी घर पे आ चुके हैं. 7:10 हो रहे हैं. गाड़ी लगा दी है हमने. चलो चलो आगे. One hour later. Guys, vlog public कर दिया मैंने. टेडी को क्या हो गया कि आपने व्लॉग देख लिया होगा कल. अभी जस्ट पब्लिक कर रहा हूँ भाई. बहुत लेट हो गए भाई. 8 बज गए. देखो 8 बज गए भाई. 8 ये हो गया. पब्लिक हो गया भाई. व्लॉग देखो आपने देख लिया होगा आई थिंक. अगर नहीं देखा तो देख लेना. मस्त व्लॉग है यार.
फड़फड़ करता है, इससे मजा नहीं आ रहा। पढ़ता है क्या भाई, क्या क्या कमेंट्स आए हैं, है ना। थोड़े से 30 लाइक्स आ गए एक सेकंड में, 36 सेकंड्स में 30 लाइक्स, वाओ। एक सेकंड में एक लाइक, एक भी कमेंट नहीं आया अभी तक। और ये थंबनेल कैसा बनाया ये भी बताना, अच्छा है कि कैसा है। थोड़ा सा वो बनाते हैं हम, थोड़ा अभी लोगों को देख देख के नहीं कि लोग कैसे बनाते, वैसे हम ट्राई कर रहे हैं। एंड सो दैट्स इट गाइस, शूट करना है, बहुत लेट हो गए हैं, अभी शूट करते हैं भाई, काफ़ी टाइम हो गया। तो हरमन को बुलाता हूँ मैं, किधर है ये। ओए हरमन चल यार, क्या हो गया तन्नू, उरे बैठ के तू क्या कर रहे सीगा, की कर रहे सी? कुछ नहीं। फिर चल जल्दी, कदा तेनू कह रहे अभी, चल चल चलिए आप बनाइए वीडियो, है आप लेट हो गए। ले क्या फोन, मेरे को ना सांस नहीं आ रही, एक बार फिर से मैं रीलोड मारता हूँ। योर डैड इज़ अमेजिंग, गॉड ब्लेस हिम। परम भाई यू आर नंबर वन ब्लॉगर इन द वर्ल्ड, आई लिटरली एंजॉयड योर व्लॉग, अल्लाह गिव यू सक्सेस, यू डिजर्व मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, लव यू ब्रो। थैंक यू शादाब भाई साहब, थैंक यू सो मच। मिस स्वीटी आपका भी थैंक यू, जैनब आपका भी थैंक यू, मोनू भाई आपका भी थैंक यू, कोई हेटर ना मिल जाए उसको भी थैंक यू बोलना पड़ेगा। एंजल मैडम आपका भी थैंक यू, बुम बुम आपका भी थैंक यू, मुशरफ आपका भी थैंक यू, सबका थैंक यू यार, जितने भी हैं सबका सबका दिल से शुक्रिया, दिल से। पाकिस्तान वाले भाई साहब सैमीउल्ला भाई आपका भी थैंक यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब भी व्लॉग में दिखो, है ना, तो अच्छा लगता है मुझे। डैडी आ गए हमारे नीचे जाके, गुस्से में पता नहीं क्यों है, क्या हुआ? कल जाना है उठे की ने टेबल लैंड नहीं डाइनिंग टेबल जाके आऊंगा। मम्मा जी क्या बनाया आज? है चना भाई, ये मुर्गे मुर्गे जैसा सूप बनाते हैं मम्मा। मम्मी पाफ आ गई, कैमरा खराब हो गया, मुर्गे जैसी तरी है भाई इसकी, फुल मुर्गे जैसा। तो अभी इसमें ये विटामिन सी डालेंगे भाई, नींबू के साथ क्या स्वाद आता है इसका, क्या ही बोलूँ मैं। हेलो जी, चावल बासमती राइस तो ऐसे खाते हैं हम। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो, ओए होए होए होए, मज़ा आया, मज़ा बहुत स्वाद है। अरे भाई मम्मा ने आम लेके आए हैं मेरे लिए, इको आम मिठा है, दो आम मेरे, बाकी सबके। ये देखो देखो ये यहाँ पे बैठ के रोटी खा रहा है, जब टेबल आ जाएगा ना डाइनिंग टेबल तो फिर हम साथ में बैठ के रोटी खाएंगे। तो गाइस ये देखो ये कैसे खाता है, दिखाते हैं। अरे दिखा ना क्या हो गया तुम। तो गाइस बचपन में ये डब्बे में खाता था, एक बड़ा सा पतीला उसमें। अभी अभी थोड़ा सुधर गया है। खा ना भाई, क्या हो गया तेनु, बुरकी खा चंगी तरह, दिखा खा के। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, भाई साहब मुझे क्या कह रहे हैं, आपने दूसरी बात कही, वली अल्लाह हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते कब्र से। भाई इसका मतलब अभी तक तुमने इस्लाम को जाना ही नहीं। तो सैफ भाई मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के सिवा ना ही कोई आपको नफ़ा पहुँचा सकता है, ना ही कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है। आप किसी भी कब्र वाले इंसान को, चाहे वो इंसान कोई भी हो, उन्हें ना पुकार सकते हो, ना ही उनको मदद के लिए बोल सकते हो, आप सिर्फ़ अल्लाह को बोल सकते हो। हाँ ज़रूर वसीले से दुआ ज़रूर कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए वसीला कैसे होता है, वसीला एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है, उस चीज़ के बारे में जानो, इस्लाम में वसीले का सही मतलब क्या है उस चीज़ के बारे में जानो, और इस चीज़ से बाहर आओ। भाई मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि एक तो भाई चड्डी वाले बाबा थे, पता नहीं पतलून वाले, थोड़े दिन पहले ही ये बात है, मैंने हंसी टीवी की वीडियो पे रिएक्शन भी दिया था, आई थिंक 3-4 महीने पुरानी बात है, कि भाई वो लोग वहाँ पे अपनी पतलून उतार के जाते थे, चड्डी वहाँ पे टांग के जाते थे मज़ार पे, और उनसे दुआ मांग के जाते थे कि भाई हमारी ये दुआ कबूल कर दो, हम ये चड्डी टांग के जा रहे हैं, हमारी दुआ कबूल करना। आप सोचो कितने डेंजर लोग हैं भाई, कितने डेंजर लोग हैं आजकल। अल्लाह के सिवा कोई आपका कुछ ना बिगाड़ सकता है ना कुछ कर सकता है, इस चीज़ को जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी सही है। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे रास्ते पे चलो, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, अपने खुद के रास्ते मत बनाइए, ठीक है जी, और लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, लोगों को सही रास्ता दिखाइए।
तो दैट्स इट, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ये एक अच्छी बात, अगर किसी के समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम तो अपना कोशिश जारी रखेंगे। हमारा काम है दावत और तबलीग करना, बाकी आपकी मर्जी है, आप उसको अगर एक्सेप्ट करोगे आपके लिए अच्छा है, नहीं करोगे कोई बात नहीं। मेरा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया और अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हम दावत और तबलीग का काम कर सकें हमारे यूट्यूब के ज़रिए। चाहे मैं 1% भी अगर करूँ वो भी मेरे लिए बहुत है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।